जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, रिहारी कॉलोनी जम्मू और बेमिना श्रीनगर लेके आया है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम उन बच्चों के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं जो घर की माली हालत की वजह से स्कूल छोड़ने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन लेकर आया है एक ऐसी स्कॉलरशिप स्कीम जिसके तहत इस स्कीम में चुने गए बच्चों को आने वाले चार साल यानी 9th, 10th, 11th और 12th की तालीमी अखराजात और जरूरियात पूरा करने के लिए 1,000 रुपए मंथली यानी 12,000 रुपए सालाना स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ये स्कॉलरशिप चार साल तक दिया जाएगा। अलबत्ता इसके लिए उम्मीदवार को 8वीं जमात का इम्तिहान 55% नंबरात के साथ और 10वीं जमात का इम्तिहान 60% मार्क्स के साथ पहले ही अटेम्प्ट में पास करना जरूरी है। अलबत्ता रिजर्वड कैटेगरी के बच्चों के लिए 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन दी गई है। जी हाँ, इस स्कॉलरशिप स्कीम में कौन कौन से बच्चे शामिल हो सकते हैं, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, फॉर्म कहाँ पे भरना है, अप्लाई कैसे करना है, इस वीडियो में आप ये सब जान पाएंगे। तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। पूरे भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप यानी NMMSS के तहत स्कॉलरशिप टेस्ट मुनक्कद किया जा रहा है। इस सिलसिले में पहले ही जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन मुश्तहिर की गई है। नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट फरवरी मार्च 2024 में पूरे जम्मू कश्मीर में लिया जाएगा, जिसके लिए डेट शीट अलग से मुश्तहिर किया जाएगा। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। जम्मू कश्मीर से वाबस्ता वो बच्चे जो इस वक्त 8th क्लास में पढ़ते हैं और जिन्होंने 7th क्लास में कम से कम 55% नंबरात हासिल किए हों, अलबत्ता रिजर्वड कैटेगरी से वाबस्ता बच्चों के लिए 5% नंबरात की रिलैक्सेशन दी गई है। इसके अलावा सिर्फ वो बच्चे इस स्कॉलरशिप टेस्ट में शामिल हो सकते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल, लोकल बॉडी स्कूल या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ते हों। इसके अलावा बच्चे की एनुअल फैमिली इनकम 3.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर्म आप जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट www.jkbose.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म मुतल्लिका चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर में भी दस्तियाब रहेंगे। अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट स्ट्रक्चर की। स्कॉलरशिप टेस्ट में 2 पेपर्स होंगे। पहला पेपर मैट यानी मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें 90 क्वेश्चंस होंगे और 90 मार्क्स होंगे और पेपर की कुल ड्यूरेशन 90 मिनट की होगी। और दूसरा सैट यानी स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें भी 90 क्वेश्चंस होंगे, 90 मार्क्स होंगे और टेस्ट की टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट होगी। दोनों पेपर्स में एग्रीगेट 40% मार्क्स हासिल करना जरूरी है। अलबत्ता रिजर्वड कैटेगरी से वाबस्ता बच्चों के लिए कट ऑफ 32% रखा गया है। ड्यूली फिल्ड फॉर्म, 60 रुपए की पेन सेल्फ, 7वीं जमात की मार्क्स सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट के साथ 31 जनवरी 2024 तक
मुतल्लिका चीफ एजुकेशन ऑफिसरों के दफ्तर में जमा किए जा सकते हैं। पेन स्लिप स्क्रीन पे दिए गए अकाउंट डिटेल के मुताबिक भरनी है।